बड़े युद्ध की तैयारी अमेरिका 2023 से कर रहा है। 2 अगस्त 2023 को पेंटागन ने साइट 512 के लिए टेंडर दिया था। ये ठेका पेंटागन के करीबी कंपनी ने 300 करोड़ रुपए में लिया था। इसके तहत निगेव रेगिस्तान में साइट 512 को विकसित करना था। हालांकि इस टेंडर के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी छिपाई थी। जिस वक्त टेंडर दिया गया था तब 2023 में साइट 512 की क्षमता 1000 सैनिकों की थी। फिलहाल अनुमान ये जताया जा रहा है कि इसकी क्षमता 5000 सैनिक तक पहुंच चुकी है, यानी यहां 5000 जवानों के रहने खाने की व्यवस्था हो चुकी है। यहां अमेरिका ने रडार तैनात कर रखी है। ये रडार इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को ट्रेस करती है। रिपोर्ट है कि अमेरिका से आने वाले थर्ड सिस्टम और जवान यहां तैनात किए जाएंगे। पेंटागन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है बहुत जल्द इसराइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इसराइली हमलों के बाद ईरान पलटवार करेगा। ईरान के पलटवार के साथ हूती, हिजबुल्ला और दूसरे प्रॉक्सी के हमले भी होंगे। ऐसी हालत में इसराइली डिफेंस सिस्टम पर लोड होगा। अमेरिका के थर्ड सिस्टम ईरान पर हमले से पहले ही तैनात किए जा रहे हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इसराइल को इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम और जवानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसराइल इस वक्त दो मोर्चों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। गाजा और लेबनान में उसे जवानों की जरूरत है और ईरान सहित हमास, हिजबुल्ला, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमलों से बचने के लिए उसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। बीते एक साल से इजरायली डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। बीते एक साल में इजरायल पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजरायल ने 97% हमले नाकाम करने का दावा किया है। इसराइल को एक साल में 22,000 से ज्यादा डिफेंस मिसाइल फायर करनी पड़ी। 1 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस सिस्टम नेवातिम बेस पर हमले नहीं रोक पाए। इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी हो रही है। इसराइल की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में 24 घंटे प्रोडक्शन लाइन पर काम हो रहा है। इसराइल ने माना है कि उसका मिसाइल भंडार कम हुआ है और अब युद्ध बढ़ने की स्थिति में उसे ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और उसके बहाने जवान भी इसराइल भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।